अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। एक बारी फिर बात यह है कि हमने लारावेल इंस्टॉल कर लिया था, उसको डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट भी कर लिया था। अब जो बारी है वो ये है कि चेक किस तरह करें कि जी वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। वो सिंपल वे तो ये है कि जो लारावेल का वे है वो ये है कि आप इसमें माइग्रेशंस करें और फिर चेक करें कि आप उसके साथ कनेक्ट हैं या नहीं कनेक्ट हैं, माइग्रेट हुआ या नहीं हुआ, वो आगे की बातें। अभी के लिए किस तरह से चेक करना है, स्टार्टअप में किस तरह से चेक करना है, उसके लिए लारावेल ने आपको दिए हैं खुद से बने हुए ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स, जिस तरह के लॉगिन का मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल। आई वांट टू शो यू गाइस इन दैट प्रोजेक्ट वन। ओके, तो ये जो है पेज, ये लैंडिंग पेज है। अब जो लोड होगा वो पेज हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये लारावेल का लैंडिंग पेज है जिस प्रोजेक्ट पे हम इस वक्त हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी लोड होगा या ये जो है ये वो है जो अभी हम बनाएंगे। और ये वो मॉड्यूल्स हैं जो लारावेल ने हमें दिए हैं। लॉगिन का मॉड्यूल है, आप जब कोई भी काम करने लगते हैं वो सबसे पहले आपसे लॉगिन पूछता है। अगर आप लॉगिन नहीं कर, अब ये सभी कुछ, इसके रूट्स, इसके व्यूज़, इसका सभी कुछ लारावेल ने ख़ुद से बनाया हुआ है। और ये जो है वो पीछे DB से कनेक्टेड है। जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो जब तक वो DB में कुछ नहीं है तो वो लॉगिन नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देना पड़ेगा, जिस तरह से मैं लिखता हूँ फैसल एट द रेट ऑफ स्क्रिप्ट मेल डॉट IO एड। ओके, इसको हम रजिस्टर करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये उस डेटाबेस में जाके सेव करेगा जिस डेटाबेस में हम सेव थे। उसने क्या कहा, DB प्रैक्टिस यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसकी वजह क्या हुई, इसकी वजह यह है कि हमने उसको माइग्रेट नहीं किया। सो जिस तरह के मैं बता रहा था, अब ये मॉड्यूल्स हैं जो हमें दिए गए हैं और हम ये बनाएंगे और इसको चला के देखेंगे। सो कम टू आवर पॉइंट, हम आते हैं अपने यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि हमने इसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी। जी हाँ, बिल्कुल की थी। लारावेल DB, यूज़र नेम में रूट, पासवर्ड में नथिंग। ओके, इट्स ओके। एंड देन गो टू टर्मिनल। अब टर्मिनल, एक तो ये है कि आप PHP का टर्मिनल यूज़ करते हैं तो वो आपको उसी जगह पे दिखाता है जिस प्रोजेक्ट में या जो डायरेक्टरी आपने खोली हुई है। दूसरी ये है कि आप टर्मिनल में जाएँ, उसकी CD चेंज करें और यहाँ तक उसे लेके आएँ। अभी हम जबकि ये यूज़ कर रहे हैं तो ये वहीं पे ही है। अब यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, याद रहे कि हम लारावेल प्रोजेक्ट में हैं जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बना हुआ। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट लारावेल प्रोजेक्ट पब्लिक। आ जाओ भाई, देखा अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अभी इसने इसको हमने बनाना है तो हम वो किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, PHP artisan make auth enter। और ये हमें इस लारावेल के प्रोजेक्ट में सभी व्यूज़, लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का, उनके मॉडल्स, वो सभी कुछ हमें बना के दे देगा। ऑथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग जनरेटेड सक्सेसफुली। अब जैसे कि हमारे पास एरर आया था, अभी देखते हैं क्या फिर से आता है। इसे रीलोड करते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब तक वो हो चुका होगा। आई एम श्योर, देखा आ चुका है। अब पहले भी वो एरर आया था उसमें, अब हम इसमें देखते हैं। मैं एंट्रीज कर देता हूँ। सेम एरर अगेन। ओके, अननोन डेटाबेस लारावेल DB, व्हाट इज दिस, ओ माय गॉड, लारावेल DB पहचाना नहीं है उसने उसे। देखते हैं अपनी लारावेल DB को। PHP माय एडमिन, लारावेल, देखा नाम चेंज है थोड़ा सा, VAL लिख दिया था मैंने, इसलिए अभी हम
यहाँ पे भी इसका नाम लारावेल नहीं, लारावेल करना पड़ेगा हमें, नाम सेम होना चाहिए। ओके अब आ जाओ भाई। रीलोड करते हैं, रजिस्टर पे जाते हैं, इधर एंट्रीज करते हैं। स्पीड से मैं कर रहा हूँ कुछ भी। ओके सो बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड टेबल लेवल यूजर डेटाबेस। अब ये मामला आपके साथ कब होगा, जब आपने माइग्रेट नहीं किया होगा। क्या माइग्रेट नहीं किया होगा, वो माइग्रेशंस जो लेवल के साथ आती हैं, यूज़र का टेबल, पासवर्ड का टेबल, पासवर्ड रीसेट का टेबल। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सॉरी फॉर दैट, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड लानी है पी एच पी आर्टिसन एंड माइग्रेट। ओके सो इट्स ओके, इट्स डन, आई एम डन। ओके अब जब मैं इसे रजिस्टर करूँगा, मेरी पुरानी वाली फील्ड के पास जाएगा, मैं इसे एंट्रीज करूँगा, सॉरी फॉर दैट अगेन। ओह माय गॉड, इट्स डन, इसे रजिस्टर कर दिया, हमें लैंडिंग पेज पे भी ले आया। सो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि अब हमारी डेटाबेस जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।